हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसको बेबी स्वेटर या फिर स्टॉल में, शॉल में या लेडीज़ कॉर्डिगन में डाल सकते हैं। इसे सभी में बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो दो के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 12 फंदे लिए हैं। 10 नंबर की नीडल ली है। तो एक सिलाई उल्टी सीधी डाल लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। जी, हमने उल्टी सीधी सिलाई डाल ली है। अब इसके बाद डिज़ाइन शुरू करते हैं। हम ये जो पहला फंदा है ये ऐसे ही उतार लेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। इस दो फंदों के बीच से सिलाई निकाल लेंगे और फिर धागा आगे करेंगे, फिर पीछे से सिलाई निकाल लेंगे और ऐसे बुन लेंगे। ये देखिए, हमारे दो के चार फंदे बन गए हैं। फिर धागा आगे करेंगे, फिर ऐसे दो के बीच से सिलाई डाल लेंगे और सीधे फंदे बुनते हुए ऐसे लूप निकालेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर ऐसे लूप निकालेंगे और ऐसे फंदा गिरा देंगे। फिर धागा आगे करेंगे ऐसे, फिर दो फंदों में से सिलाई निकाल लेंगे। हमने इस दो फंदों के बीच से सिलाई निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इधर से सिलाई डालनी है, इधर से नहीं डालनी, नहीं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ऐसे इधर से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा निकाल लेंगे, फिर इधर से सिलाई निकालते हुए फंदे गिरा देंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर दो के बीच से सिलाई निकाल लेंगे, ऐसे पीछे से फंदा निकाल लेंगे तो ऐसे दोनों फंदे गिरा देंगे। तो ऐसे ही हम सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट वाला फंदा है जो वो सीधा ही बुनाई करना है। अब उल्टी सिलाई पे आते हैं। उल्टी सिलाई पे ये फंदा ऐसे ही हम स्किप कर देंगे और अगले जो ये चार फंदे दिख रहे हैं दो का एक बनाएंगे। तो सभी उल्टी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये दो का एक बनाना है, ऐसे दो फंदों का एक बनाया, फिर दो फंदों का एक बनाया, फिर दो का एक,
तो ऐसे ही हम उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। अब इस चौथी सिलाई में डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव होगा। ये जो फंदा है ऐसे उतारेंगे और ये जो दूसरा फंदा है ये ऐसे ही बुन लेंगे और फिर ऐसे अपनी तरफ करेंगे धागा और दो का एक बनाते हुए लूप निकाल लेंगे, फिर ऐसे अपनी तरफ करेंगे धागा, फिर पीछे से लूप निकाल लेंगे और फंदे गिरा देंगे, फिर धागा अपनी तरफ दो का एक बनाएंगे। तो अपनी तरफ फंदा धागा अपनी तरफ, इधर से सिलाई निकालेंगे और ऐसे सिलाई डालकर लूप निकाल लेंगे और फिर दो का एक बनाते हुए फंदा गिरा देंगे। ऐसे ही सारी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। दो का एक धागा आगे, फिर पीछे से फंदा निकाल लेंगे और फिर ऐसे लूप निकालते हुए फंदे गिरा देंगे। ये दोनों फंदे ऐसे सीधे ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई ऐसे एक फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब दो फंदों का आगे एक बनाएंगे। ये दो फंदों का एक बनाते हुए हम सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे दो लास्ट वाले फंदे सीधे ही बुनेंगे। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये बनने के बाद देखिए कितना सुंदर लगता है। मैं दिखाती हूँ इसकी लुक। तो देखिए बनने के बाद ये कितना सुंदर लगता है और ये फ्लावर दिखते हैं। इसको आप भी बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।